अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पहली वीडियो में गजल के दो अशार की तशरीह की। अब हम गजल के बाकी अशार की तशरीह करेंगे। गजल का तीसरा शेर, कमाले जोशे जुनू जब गुजर गया हद से, उड़ाई चाक गिरेबा की खुदासी मैंने। तशरीह, शायर कहता है कि मेरा जोश वो जुनून इतना बढ़ गया है कि मुझे मेरे फटे हुए गिरेबा और फटे हुए कपड़ों का एहसास भी ना रहा, और जब जोश जुनून हद से गुजर गया तो मैंने खुद अपने फटे गिरेबा का मजाक उड़ाया। गजल का चौथा शेर, रहे जो सबसे ज्यादा मेरी बुराई में, ना की दुआओं में उनके लिए कमी मैंने। तशरी, शायर शेर में कहता है कि बहुत से लोग मेरी बुराई बयान करते रहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर वक्त मेरी बुराई करते हैं, लेकिन मैंने अपनी दुआओं में सबको याद रखा है। वो लोग जो मेरी बुराई सबसे ज्यादा करते हैं, मैंने उनके लिए भी दुआओं में कमी नहीं की। गजल का पांचवा शेर, पड़ा जो वक्त तो अजमे खली लेके अदीब, मिटा के रख दिए आदाब आजरी मैंने। तशरी, आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, जो न सिर्फ बुत परस्त थे बल्कि बुत तराज भी थे। बुत तराज के मानी होते हैं बुतों को बनाने वाले। यहाँ आदब आजरी से मुराद आजर की तरह जिंदगी गुजारने का तरीका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह कहलाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम झूठे खुदाओं को आजमाया और उनका इनकार किया। उन्होंने बुतों को पूजने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने वक्त के बादशाह नमरूद की खुदाई से इनकार कर दिया था, जिसके पादाश में नमरूद ने उन्हें आग में डाल दिया। अल्लाह ताला ने इस आग को अपने खलील यानी दोस्त के लिए गुलजार बना दिया था। शायर इस वाक्य की जानिब इशारा करते हुए कहता है कि जब हम पर वक्त पड़ा, हालात बिगड़े, तब हमने भी हजरत इब्राहिम की तरह अजम व हौसले से काम लिया और बातिल का मुकाबला करके उसे मिटा दिया।